नेक्स्ट विधि है हमारी जो आज हम करेंगे वो है तुलनात्मक विधि। तुलनात्मक विधि में क्या होता है, जैसे कि इस विधि में व्यवहार संबंधी समानताओं व असमानताओं, जैसे क्लास में अगर अपन पढ़ाते हैं तो उसमें क्या है, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनका व्यवहार लगभग एक जैसा होगा, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो बिल्कुल ही अलग होंगे। तो वो कैसे होते हैं, उनकी व्यवहार संबंधी समानताएं और असमानताएं होते हैं जिनकी तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। तुलना की जाती है ना कि ये बच्चा पढ़ने में अच्छा है और ये थोड़ा कमजोर है, तो अपन उसी लेवल से कई बार तो बिठाया भी जाता है बच्चों को, ठीक है, कि यहाँ ज्यादा कमजोर है वो बच्चे आगे बैठे ताकि उन्हें अच्छे से समझ में आ जाए। तो वो क्या होती है, वो तुलनात्मक विधि होती है कि उनके व्यवहार से या अधिगम से संबंधित उनकी समानताओं और असमानताओं का अध्ययन किया जाता है जिसके अंदर। तो यह विधि दो समूहों या दो व्यक्तियों के व्यवहार की समानता व असमानता की तुलना करने के लिए उपयोगी होती है। या तो दो व्यक्तियों के बीच में तुलना करो, ठीक है, डिफरेंस निकालते ना दो व्यक्तियों के बीच में कि इसका व्यवहार ऐसा है, इसका ऐसा है, दोनों में समानता भी ये है, ठीक है, हो सकता है दोनों ही सच बोलते हो सकता है दोनों ही झूठ बोलते हो, तो वो तो होगी उनकी समानता, ठीक है, और हो सकता है कि दोनों में कुछ अलग अलग व्यवहार भी आता हो तो वो उनकी असमानता हो जाएगी। तो उन चीजों का अध्ययन जो है वो इस तुलनात्मक विधि के द्वारा किया जाता है। फिर आ जाती है हमारी मनोविश्लेषण विधि। ये दी थी सिगमंड फ्रॉयड ने, दी थी सिगमंड फ्रॉयड जो थे, मनोविश्लेषण विधि जो थी ना, ये पहले इन्होंने मनोविश्लेषण सिद्धांत दिया था, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत दिया था। इसके अंदर इन्होंने दो तरह के मॉडल दिए थे, जैसे एक तो व्यक्तित्व मॉडल दिया था और एक आकारात्मक मॉडल दिया था। ये जो आकारात्मक मॉडल दिया था ना, उसके अंदर इन्होंने मन के बारे में बताया था। मन के बारे में भी इन्होंने तीन मन बताए, एक तो चेतन, अर्धचेतन और अचेतन। इसके अंदर फर्स्ट लाइन के अंदर ही आ रहा है अचेतन मन, ठीक है। तो इन्होंने तीन मन के बारे में बताया था, एक तो चेतन, एक अर्धचेतन और एक अचेतन। चेतन क्या होता है, जो भी आप काम करने के लिए सोचते हो, विचारते हो, हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में चीज पढ़ी थी, चेतना, वही चेतन होता है, ठीक है, कि अपने मन के द्वारा जो हम सोचते हैं, जो भी हमारे दिमाग में आता है, ठीक है, वो क्या हो गया, वो चेतन हो गया। अर्धचेतन क्या होता है, अर्धचेतन होता है कई बार आप क्या करते हो, कोई चीज रखकर भूल जाते हो, या फिर उसको ढूंढते हो, परेशान होते हो, बहुत परेशान होते हो, फिर आराम से बैठकर सोचते हो, अरे यार वो तो मैंने मेरे दोस्त को दी थी, एकदम से याद आता है ना, तो वो क्या होती है, वो चीज कहाँ चली जाती है, वो अर्धचेतन में चली जाती है, ठीक है। तो उसके बाद जब आराम से बैठकर सोते हो तब आपके दिमाग में वो आती है कि वो क्या थी, वो मैंने किसी और को दे दी थी, वो कैसे घर में मिलेगी फिर, तो वो क्या हो जाएगा, वो अर्धचेतन हो जाएगा। फिर आते हैं अचेतन मन, जो इस मनोविश्लेषण विधि के द्वारा जिसका अध्ययन किया जाता है। कई बार हमारी कुछ इच्छाएं ऐसी होती हैं जो हम रोज पूरी नहीं कर सकते, ठीक है, बहुत सारी ऐसी इच्छाएं होती हैं, ठीक है, आपका मन हो कि मैं तो रोज ही नए कपड़े खरीदूं, नहीं पॉसिबल हो सकता, ठीक है, क्योंकि इतनी इनकम ही नहीं है कि आप उस चीज को पूरा करो। तो इसी तरह की और भी बहुत सारी इच्छाएं होती है, कि तो मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया है ऐसा। इसके अलावा कुछ ऐसी इच्छाएं होती है जो आगे जाकर जो है वो क्राइम को डेवलप करती है। बहुत सारी ऐसी इच्छाएं होती है दिमाग के अंदर, सामाजिक को लेकर, समाज को लेकर भी हो सकती है, मनोवैज्ञानिक को लेकर भी हो सकती है, शरीर को लेकर भी हो सकती है, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी इच्छाएं, अगर कोई व्यक्ति काला है, ठीक है, तो उसकी इच्छा थोड़ी हो सकती कि वो गोरा हो जाए, वो नहीं हो सकती, उसके मन के अंदर वो क्या है, वो कुंठा भर जाती है। तो वो क्या होता है, वो अचेतन मन होता है, ठीक है। उस मन का इलाज किया जाता है, उसकी पहले प्रॉब्लम पता की जाती है कि उसको किस चीज के बारे में, जब वो उस चीज के बारे में सोचता है उसकी इच्छा पूरी नहीं होती है, तो जब उस चीज का अध्ययन किया जाता है फिर उसका उपचार किया जाता है। ये चीजें कहाँ से, ये जो अचेतन मन है ना, ये कहाँ से शुरू होता है, बिल्कुल बचपन से ही ये चीज शुरू हो जाती है। कोई व्यक्ति मोटा है या कोई व्यक्ति बहुत ही पतला है या बहुत काला है या बहुत ज्यादा, तो उनके बारे में क्या है कि रोज रोज उनको वो ताने सुनाना, जिसकी वजह से उसकी क्या है, वो दबी हुई इच्छाएं जो होती है वो पूरी नहीं हो पाती है, तो वो कौन सी हो जाती है, वो अचेतन मन हो जाती है। जब लेकिन मनोविश्लेषण विधि का प्रयोग किया जाता है ना, तो उस समय उसकी पूरी केस हिस्ट्री जो होती है वो पूरी की पूरी सर्च करनी पड़ती है। तो इस विधि में एक तो समय जो होता है वो ज्यादा लगता है, क्योंकि उसके बारे में अपन को एक एक डीपली चीज पता होनी चाहिए उस व्यक्ति के बारे में, कि वो किस चीजों के बारे में सोचता है या किन चीजों के ऊपर वो बहुत ज्यादा उग्र हो जाता है, ठीक है। जो उसकी इच्छाएं पूरी नहीं होगी ना, अगर आप उससे रिलेटेड उससे बात करोगे ना, तो ऑब्वियसली उसको गुस्सा आएगा, ठीक है। तो इस चीजों को पता किया जाता है उसके व्यवहार से कि वो क्या चाहता है, उसके अचेतन मन के अंदर कौन सी इच्छाएं जो उसकी पूरी नहीं हो पाती हैं, तो उसके बाद जो है वो उसका अध्ययन करके फिर उसका इलाज किया जाता है। तो एक तरह का ये मनोवैज्ञानिक रोग ही होता है अचेतन मन, धीरे धीरे जो होता है ना वो एक रोग का निर्माण कर देता है, बाद में उसका इलाज किया जाता है। कई लोग जाते हैं ना मनोचिकित्सक के पास जाते हैं, वो ये अचेतन मन ही होता है जिसके कारण जो है वो इस तरह की बीमारियां जो उत्पन्न हो जाती है।
तो इस विधि के द्वारा व्यक्ति के अचेतन मन का अध्ययन करके उपचार किया जाता है उसका। उपचार तो उसी का किया जाएगा ना जो बीमार होगा। तो ये अचेतन मन एक तरह की बीमारियों का कारण ही होता है। अचेतन मन व्यक्ति के मन की अतृप्त इच्छाओं का पुंज है, जो अतृप्त, जो तृप्त नहीं हो सकती, पूरी नहीं हो सकती, जो निरंतर क्रियाशील रहता है। व्यक्ति की अतृप्त इच्छाएं मौका पाकर उजागर होने की कोशिश करने लगती है। कुछ इच्छाएं ऐसी होती है जिनको उजागर करने के लिए वो किसी न किसी तरह का कोई क्राइम कर बैठते हैं, ठीक है। तो वो उजागर होने की कोशिश तो करती है, लेकिन उस चक्कर में वो क्या कर बैठता है, अनुचित व्यवहार करने लग जाता है। अनुचित व्यवहार में क्या आएगा, क्राइम भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। हो सकता है कोई व्यक्ति उसको रोज छेड़ता उस चीज को लेकर, हो सकता है उसको खूनी कर दे, ठीक है। वो क्या करेगा, वो अनुचित व्यवहार ही तो हुआ। या सकता है उसको चोट पहुंचाने की कोशिश करे, तो वो एक तरह का अनुचित व्यवहार ही है। फिर आता है कि इस विधि में अचेतन मन का अध्ययन करके व्यक्ति की अतृप्त इच्छाओं की जानकारी प्राप्त करके उसका उपचार किया जाता है। इस विधि में व्यक्तित्व की समस्या को गहराई से समझने की सूझ विकसित होती है। व्यक्तित्व की जो भी समस्या है उसको एकदम गहराई से समझना पड़ता है, बिल्कुल डीपली जाना पड़ता है कि वो व्यक्ति क्या सोचता है, क्या चाहता है। तो इस विधि की सहायता से क्या करेंगे, मानसिक दोष, मानसिक द्वंद, द्वंद क्या होता है, अंदर एक युद्ध सा चलता रहता है ना कि हाँ मेरी इच्छा पता नहीं कैसे पूरी होगी, क्या होगा, ठीक है। तो वो एक तरह का द्वंद होता है, उसको समझने के प्रयास करते हैं, ठीक है। और ये विधि क्या करती है, उसको समझने में सहायता भी करती है। इस विधि की सहायता से व्यक्ति के व्यवहार और व्यक्तित्व को सुधारा जा सकता है। कई बार तो मतलब बहुत ज्यादा ऊपर हो जाता है ना इस तरह की चीजों को, उन्हें जब असाइलम भेजा जाता है या ऐसी जगहों पर भेजा जाता है जहां उनका इलाज किया जाता है, ठीक है। तो यह विधि व्यक्तित्व के विकास में बचपन के अनुभवों को महत्व देती है। बचपन में जो कुछ हुआ होता है ना उसके जो असर पड़ते हैं वो बहुत ज्यादा गहरे होते हैं। जो चीज कोई बचपन से झेल रहा होता है ना उसके बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। तो वो चीज पहले पता की जाती है कि बचपन में उसके साथ क्या हुआ है। यह विधि ऐसे पाठ्यक्रम को महत्व देती है जो समाज या बच्चों की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हो। तो ये विधि क्या कहती है कि आप पाठ्यक्रम में ऐसे सब्जेक्ट्स डालो जो बच्चा क्या करे, समाज में जो है वो अपनी आवश्यकताओं को पूरा भी कर सके, जो उसकी दबित इच्छाएं होती हैं उनको पूरा कर सके, ठीक है। और उनके लिए पर्टिकुलर टाइम हो या इस तरह से, मतलब एक पूरी की पूरी प्लानिंग की तरह जो उस पाठ्यक्रम को महत्व दिया जाना चाहिए, जिससे कि क्या बच्चे जो है वो अपनी इच्छाओं को पूरी कर सके और कोई भी अनुचित व्यवहार ना करे। नेक्स्ट है साक्षात्कार विधि। साक्षात्कार विधि क्या होती है, इंटरव्यू मेथड, जिसमें क्या होता है एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से प्रश्न पूछता है, ठीक है। इस विधि में दो व्यक्ति या तो आपके सामने बातचीत करते हैं, साक्षात्कार जैसे इंटरव्यू देते हैं। आप में से कुछ बच्चे तो ऐसे होंगे जो जॉब के लिए गए होंगे, इंटरव्यू दिया भी होगा, वही साक्षात्कार विधि होती है। उसमें वो क्या करते हैं, आपसे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं जिससे उनको क्या पता चलता है आपके व्यवहार के बारे में, आपकी एबिलिटी के बारे में। वो इसीलिए तो इंटरव्यू लेते हैं ना आपका, कि आपके बारे में उनको सब कुछ पता चल जाए। तो वो किसके जरिए हो सकता है, हो सकता है वो आमने सामने बैठकर भी हो जाए, ठीक है। आजकल टेक्निक का जमाना है तो क्या है, टेलीफोन के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा भी, एक साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में क्या होगा, एक साथ सबका इंटरव्यू ले लिया जाता है, ठीक है। अलग अलग भी ले सकते हैं। तो वो साक्षात्कार का आयोजन जो है वो टेलीफोन, इंटरनेट और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी हो जाता है। कुल मिलाकर साक्षात्कार का मतलब क्या है, आमने सामने बैठकर या दो व्यक्तियों के बीच में जो बातचीत होती है, ठीक है। तो वो क्या कहलाती है, साक्षात्कार विधि कहलाती है। तो इस विधि में दो व्यक्तियों के बीच आमने सामने बातचीत होती है। वह व्यक्ति जो साक्षात्कार करने वाला होता है वो तो साक्षात्कारकर्ता कहलाता है, इंटरव्यू लेने वाला कहलाता है, ठीक है। और साक्षात्कार में उत्तर देने वाला व्यक्ति, एक प्रश्न पूछता है और एक उत्तर देता है, वो जो आंसर देने वाला व्यक्ति होता है वो कौन कहलाता है, साक्षात्कारदाता कहलाता है, इंटरव्यू देने वाला व्यक्ति। आयोजन मैंने आपको बता दिया कि टेलीफोन, इंटरनेट और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हो सकता है। इस विधि में प्रयोगकर्ता संबंधित व्यक्तियों से भेंट करके, यानी कि मिलकर, समस्या संबंधित तथ्य को एकत्रित करके समस्या की जानकारी प्राप्त करता है। लेकिन वो तो हो गया एक साक्षात्कार, ठीक है। लेकिन क्लासरूम में आप कैसे करोगे, क्लासरूम में भी तो अपन यही करते हैं ना कि बच्चों से क्वेश्चन पूछते हैं जिससे अपन को उनके व्यवहार के बारे में पता चलता है, ठीक है, या उनकी समस्या के बारे में पता चलता है। वो समस्याएं हम क्या करते हैं, उनको इकट्ठा करते हैं और फिर उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। या अच्छा इनको ये चीज समझ में नहीं आई, हमें ये चीज इनको दोबारा बतानी है और इस तरह से बतानी है। फिर आप सभी बच्चों से पूछते हो, क्या सभी बच्चों को ये चीज समझ में नहीं आई है, तो आप उसको फिर से दोबारा से बताते हो। हो सकता है सभी बच्चों को अलग अलग चीजें नहीं समझ आई हो, तो आप उसी मेथड से जो हो सकता है आप एक ही मेथड में उन सारी चीजों को एक साथ क्लियर कर दो या उस चीज को ही दोबारा से बता दो, ठीक है। तो वो क्या होगी, समस्या की जानकारी प्राप्त करना है। अब देखो ये कोठारी आयोग क्या है, कोठारी जी, दौलत सिंह कोठारी जी का नाम है।
इन्होंने क्या किया था, जैसे नई शिक्षा प्रणाली को जन्म दिया था इन्होंने, जो नई शिक्षा प्रणाली इस समय चल रही है ना, कि 1 से 3 साल के बच्चे प्री नर्सरी में होने चाहिए, पाठ्यक्रम बच्चों के अकॉर्डिंग होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी जितनी भी नियम लागू होते हैं ना अपने शिक्षा के अंदर, वो सारे के सारे कोठारी आयोग के अंतर्गत दिए गए हैं। इसको कोठारी आयोग कब बनाया गया, 1964 की बात है, जब भारत में जो क्या है कि मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू जो है इनके दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता के अंदर जो एक मीटिंग रखी गई थी, उसके अंदर इन्होंने क्या किया था, शिक्षा से संबंधित नई नई प्रणालियां जो है वो इन्होंने लागू करवाई थी। और वो प्रणालियां बनाई कैसे थी इन्होंने, इनके बनाने का एक तरीका था, इन्होंने सारे भारत में घूमकर कम से कम 9,000 व्यक्तियों से साक्षात्कार करके, यानी कि पूछताछ करके, कि बच्चों को किस तरह से पढ़ाना चाहिए या किस तरह के मेथड प्रयोग किए जाने चाहिए, ठीक है। क्योंकि पेरेंट्स जो होते हैं ना, वो अपने बच्चों के लिए क्या चाहते हैं वो सबसे ज्यादा जरूरी होता है। तो इस वजह से इन्होंने क्या किया, संपूर्ण भारत में घूमकर 9,000 व्यक्तियों से इंटरव्यू किया। वहां जाकर उन्होंने शिक्षा की समस्याओं से संबंधित, जैसे हो सकता है कि लड़कियों को नहीं भेजने का मैथ होता है कई जगह, कि हम लड़कियों को नहीं भेजेंगे क्योंकि वो बहुत दूर है, तो इन्होंने क्या किया उसके लिए कि हर 2 किलोमीटर में या 1 किलोमीटर के दायरे के अंदर एक स्कूल होना चाहिए, ठीक है। लड़के और लड़कियों को एक जैसी शिक्षा दी जाए या लड़कियों के लिए अलग स्कूल खोले जाए, ठीक है। तो वो क्या है, ये सारे के सारे नियम जो है कोठारी आयोग के अंदर है। तो एक तरह की शिक्षा प्रणाली का नाम है कोठारी आयोग। इन्होंने क्या किया था, संपूर्ण भारत में घूमकर 9,000 व्यक्तियों से साक्षात्कार करके शिक्षा की समस्याओं से संबंधित उनके विचारों को जाना, और उसके बाद प्रणाली का गठन किया, जो किस नाम से कहलाई गई, कोठारी आयोग के नाम से जानी गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कोठारी आयोग, ठीक है। नाम क्या था इनका, दौलत सिंह कोठारी, 1964 के अंदर किया गया था। नेक्स्ट है प्रश्नावली विधि। प्रश्नावली विधि में क्या किया जाता है कि जैसे व्यक्तियों से प्रश्न पूछने के लिए क्या बनाए जाते हैं, कई बार तो रिटर्न में या कई बार वर्बली, ज्यादातर क्या किया जाता है, रिटर्न में किया जाता है, ताकि बच्चे क्या है उसको आराम से पढ़कर, उसको समझकर जो है वो उसके उत्तर दे सके। उनके व्यवहार से संबंधित भी प्रश्न होंगे उसके अंदर, ठीक है। उसके अंदर उनका नाम है, उनके आसपास के वातावरण के बारे में किसी भी तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं, वो जरूरी नहीं है कि पढ़ाई से संबंधित ही क्वेश्चन हो। तो इस विधि में प्रयोगकर्ता संबंधित व्यक्तियों के पास प्रश्नावली तैयार करके भेजता है, ठीक है। क्वेश्चन बनाकर, एक पैम्फलेट बनाकर जो है बच्चों को बांट दिए जाते हैं, वो उन क्वेश्चंस के आंसर्स देते हैं और उससे उनके व्यवहार का पता किया जाता है। तो प्रश्नावली के जो प्रश्न होते हैं ना, वो साधारण भाषा में होते हैं, जो उनको बिल्कुल आराम से समझ में आ सके, ठीक है। हमें पता है कि हिंदी मीडियम के बच्चे तो हम उसे हिंदी में लिखेंगे, इंग्लिश मीडियम के बच्चे तो उनके लिए इंग्लिश में लिखेंगे, ठीक है। जिस लैंग्वेज को वो समझते हैं उस लैंग्वेज में जो उन प्रश्नों को लिख कर उन बच्चों को दे दिया जाता है। वो प्रश्न कैसे होंगे, सामान्य से विशिष्ट की ओर होंगे, यानी कि बिल्कुल नॉर्मल से क्वेश्चन होंगे शुरू में, आपका नाम क्या है, कौन सी क्लास में हो, ठीक है, या आपके माता पिता का नाम क्या है, आपके पिता क्या करते हैं, माता क्या करती है, इस तरीके से शुरू होंगे जो सामान्य होंगे बिल्कुल। फिर उसके बाद धीरे धीरे जो है वो उसका लेवल बढ़ता है, जिससे उसके व्यवहार के बारे में पता चलता है। तो ये होती है प्रश्नावली विधि। फिर आती है विभेदात्मक विधि, ठीक है, यानी कि डिफरेंशियल मेथड आता है। डिफरेंशियल मेथड में क्या होता है, हमें पता है सारे बालक एक जैसे नहीं होते, ठीक है, कोई तो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, कोई बिल्कुल ही नालायक होते हैं, कोई सामान्य होते हैं। इसके अंदर भी कम से कम 10 तरह के टाइप होते हैं, जिसके अंदर क्या है, बच्चों को अलग अलग लेवल होता है मेंटल एबिलिटी का, ठीक है। तो इसमें व्यक्ति भेदों का अध्ययन करके सामान्यीकरण किया जाता है, उसके अंदर उनको सामान्य किया जाता है कि हाँ सब, चाहे तुम कितने ही इंटेलिजेंट हो, चाहे कि तुम कितने ही नालायक, लेकिन क्लास में क्या है, सब एकदम इक्वल है, सबको एक जैसा समझाया जाता है, ये नहीं एक स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो वो विभेदात्मक विधि होती है, विभिन्नता है, सब बालक भिन्न होते हैं, अलग अलग भिन्नताएं होती है सब बालकों के अंदर। तो वो क्या करते हैं, उनके व्यवहार को निर्देशित करते हैं, उनकी विभिन्नता ही क्या करती है, एक बालक को अलग पहचान देती है, ठीक है। किसी बालक में हो सकता है किसी कार्य को करने के लिए एबिलिटी हो, पढ़ने की एबिलिटी, पढ़ने में नहीं मजा आता हो, ठीक है, उसको कोई काम को करने में मजा आता हो, तो उसकी अपनी अलग एबिलिटी है, तो वो उसका व्यवहार जो होता है ना, वो वही बताता है कि उसके अंदर किस तरह की विभिन्नता है। तो इस विधि में व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अध्ययन करके सामान्य सिद्धांत का निरूपण किया जाता है। यह विधि बालक की ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक पक्ष का विशेष रूप से अध्ययन करती है। फिर आ जाती है सांख्यिकी विधि। ये आज के टाइम में सबसे ज्यादा प्रयोग होने वाली विधि है। इसमें क्या होता है, आपको मार्क्स दिए जाते हैं, बच्चों को मार्क्स दिए जाते हैं ना, जिससे क्या होता है, एवोल्यूशन होता है, ठीक है, कि इस बच्चे के सबसे ज्यादा नंबर आए तो क्लास में फर्स्ट है, फिर सेकेंड है, फिर थर्ड है, ठीक है। बट आज के टाइम में उसको क्या दी जाती है, ग्रेड्स दी जाती है। वो ग्रेड्स भी तो अपन को उसी के अकॉर्डिंग दी जाती है ना, कि मार्क्स जितने आए उसी के अकॉर्डिंग ग्रेड्स है,
तो ग्रेड सिस्टम भी तो यही है, सांख्यिकी विधि के अंदर ही आता है, बस उसमें आपको मार्क्स नहीं बताए जाते, उसमें आपको ग्रेड बता दी जाती है। लेकिन हमें ग्रेड से पता होता है कि हमारे जो है वो 70 से लेके 80 के बीच में है, या 80 से 90 के बीच में है, ठीक है, ए प्लस है, ए प्लस वन है, किस तरह की हमें ग्रेड मिली है। तो इसमें क्या है, समस्या से संबंधित तथ्य एकत्र कर परिणाम निकाला जाता है। लास्ट में क्या किया जाता है, जितनी भी समस्याएं होती है उससे संबंधित तथ्य एकत्र करके इकट्ठे कर लिए जाते हैं और फिर उसका परिणाम निकाला जाता है। आपके एग्जाम ले लिए जाते हैं, ठीक है, उसके बाद उनका जो परिणाम आता है वो क्या होता है, वो यही तो होता है। यह विधि आधुनिक होने के साथ साथ अत्यधिक प्रचलित है। इसके परिणामों की विश्वसनीयता संकलित तथ्यों की विश्वसनीयता पर निर्भर करता है। जो परिणाम होंगे वो विश्वसनीय होंगे, ठीक है, क्योंकि आपके मार्क्स ही बताएंगे कि आपको कितना आपने सीखा है। तो इसमें किसी समस्या का परीक्षण से संबंधित तथ्यों का आंकलन और विश्लेषण करके परिणाम निकाला जाता है। चेकिंग होती है कॉपियों की, उसके बाद उनके मार्क्स दिए जाते हैं, ठीक है, आपने जिस क्वेश्चन को जितना अटेंड किया है, किस तरह से अटेंड किया है, उसके अकॉर्डिंग आपको मार्क्स दिए जाते हैं। तो वो क्या हो गया, उनका संकलन और विश्लेषण हो गया, और उसी के अकॉर्डिंग आपको उसके मार्क्स मिलते हैं, और फिर उसके बाद लास्ट में उसका परिणाम निकाला जाता है। तो वो हो गई सांख्यिकी विधि। फिर आ जाती है लास्ट में मनोभौतिकी विधि। इस विधि का संबंध क्या है, मन और भौतिकी मतलब जो चीज दिख रही हो, यानी कि आपकी जो शरीर से संबंधित और आपके मन से संबंधित दोनों चीजों का अध्ययन जो है मनोभौतिकी में किया जाता है। या आपका शारीरिक विकास भी हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है, या आपके मन पर किस तरह का प्रभाव पड़ रहा है। स्कूल में जो है वो साल में एक बार जो आपका जो रूटीन चेकअप होता है स्कूल के अंदर, एक बार होता है ना पूरे साल के अंदर, तो उसके अंदर क्या होता है, आपके शरीर से संबंधित जो भी आपके शरीर में दोष होते हैं या जो भी दिक्कत होती है उसके बारे में पता चलता है। और मन का अध्ययन तो हर समय जो है वो एक टीचर करता ही रहता है, ठीक है, तो इसके अंदर मन और शरीर पर पड़ने वाले प्रभावों का भी अध्ययन किया जाता है। तो आइजेंग के अनुसार जो है मनोभौतिकी का संबंध जीवित प्राणियों की उस अनुक्रिया से है जो जीव पर्यावरण की ऊर्जात्मक पूर्णता के प्रति करता है। तो ये इन्होंने डेफिनेशन दी है इससे रिलेटेड, ठीक है। तो ये सारी की सारी विधियां आज कंप्लीट हो गई हैं।